हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीसीओसी 131, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है, जो कि बीकॉम से रिलेटेड है। जी हाँ, तो इग्नू ने अपने बीकॉम कोर्स को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया है। यहाँ पे कोर्सेज के नाम, कोर्सेज के कंटेंट्स, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। हालांकि जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं, लेकिन सिलेबस को बहुत हद तक इधर से उधर कर दिया गया है। तो उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम एक एक करके इन वीडियोस में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सिर्फ रिलेटेड होने वाला है, जो कि बीसीओसी 131 है। मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि कॉमर्स की पाठशाला पे आपको बीकॉम का जो न्यू कोर्स है, जो न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाया जाएगा। आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमें ऑनलाइन क्लासेस में भी हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अलावा डेफिनेटली ऑफलाइन क्लासेस में लूंगा, जहां पे मैं इस तरह के वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा, जहां पे मैं डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करूंगा, जो कि एग्जामिनेशन में काफी कॉमन है, वो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना? साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी बीकॉम की स्टडी और बीकॉम के बाद अगर आप एमकॉम करते हो तो एमकॉम की स्टडी इसी चैनल पे होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो फिर आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज ऑन द बेल बटन, बिकॉज इफ यू विल नॉट डू इट देन यू विल नॉट गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियो व्हेनेवर आई अपलोड इट। ठीक है ना? तो हम बात कर लेते हैं बीसीओसी 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। ये सबसे पहला पेपर है, तो इसमें टोटल चार यूनिट है। ये पहला ब्लॉक मैं अभी आपको करा रहा हूँ। पहले ब्लॉक में आपके चार के चार चार जो है यहाँ पे आपके लेसन है। सबसे पहले वाले लेसन के बारे में हम बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो चलते हैं। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन और नीड फॉर अकाउंटिंग के बारे में। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इसको 11, 12 में भी किया होगा। तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है ना? तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कराऊं आपको कि ना कराऊं। आई थिंक इसको रहने देते हैं, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग में फिर भी आपको एक जनरल आपको बता देता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग करेंगे ना, इसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन हु सेल्स समथिंग इज रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन, समराइज द ट्रांजेक्शन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट देयर ऑफ। है ना? एक आदमी क्या करता है, वो अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग में क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, उसको समराइज करता है, और समराइज करने के बाद रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है कि उसको साल भर में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, है ना? और अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने पैसे उसको किसी को देने हैं, कितने पैसे देने बाकी है, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये अकाउंटिंग कहलाएंगी, है ना? अब अकाउंटिंग करने की जरूरत क्यों है? आप सोचो, आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप जब कभी कहीं पे पैसे लगाओगे तो आप कैसे चेक करोगे कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ? आपको अकाउंटिंग करना होगा ना, आपको चेक करना होगा, समराइज करना होगा। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग करने का जो नीड है वो यही है। हालांकि अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा इस टॉपिक में, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, है ना? एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आपसे पूछा जाता है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। डेफिनेटली अगर आप रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से करते हो तो आपका रिकॉर्ड जो है वो सिस्टमैटिक वे में आपके पास सेव्ड रहेगा। उसके बेसिस पर आपको कभी अगर लोन चाहिए होगा या फिर कुछ भी अगर आपको कभी चाहिए, जैसे कि सपोज आपको टैक्स पे करना है, तो टैक्स का कैलकुलेशन आप भी इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से ही करोगे, है ना? तो टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड वी डू अकाउंटिंग, है ना? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो यही है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा। अकाउंटिंग इज डन टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस लाइक परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसीव्स, कैश पेमेंट्स, है ना? तो जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे परचेज ऑफ गुड है या फिर सेल ऑफ गुड है या फिर जो कैश रिसीट हम करेंगे या फिर जो कैश हम पेमेंट करेंगे, उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो टू बी मेंटेन्ड, है ना? तो इसमें साथ ही साथ इन सारे चीजों को करने के साथ ही साथ जो एसेट्स होते हैं, है ना, उसको और जो लायबिलिटीज होती है उसको, दोनों को भी रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको किया जाता है, उसके रिकॉर्ड को सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड रखा जाता है, है ना? दूसरा पॉइंट कर लेते हैं, टू एसर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस जब भी हम करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाने का, है ना? तो प्रॉफिट आपको हुआ या नहीं हुआ, आपको लॉस हुआ,
कितना लॉस हुआ, ये सारी चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप अकाउंटिंग करोगे। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट वेदर यू हैव अर्न्ड प्रॉफिट और यू हैव अकर्ड लॉस, है ना। सो यहाँ पे देखो क्या लिया हुआ, वी नो दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट एंड द बिजनेसमैन इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग द सेम। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस को, वो यही होता है कि प्रॉफिट कमाया जाए, और जो भी बिजनेसमैन होगा वो इस बात में इंटरेस्टेड होगा कि उसका प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है ना। अब प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इनकम एक्सपेंसेस फैसिलिटीज, मैं थोड़ा ड्रॉ करता हुआ चलता हूँ, आसान रहेगा। अब प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फैसिलिटीज लाइक प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, ये चीजें बनाई जाती है जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, है ना। तो ये किया जाता है, द प्रॉफिट एंड लॉस रिवील्स द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, है ना। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो ये तीसरा पॉइंट है। तो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का क्या है, क्या आपको साल भर में आपकी एसेट्स में किसी भी तरह की बढ़ोतरी हुई है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ है ना, आपकी कंपनी कितनी परसेंटेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, ये सारी चीजें पता करने के लिए आपको जो है अकाउंटिंग करना पड़ेगा, है ना। देख लेते हैं, द बिजनेसमैन इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द ऑपरेशन रिजल्ट्स बट ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, है ना। तो बिजनेसमैन को सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट नहीं होता कि उनका ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या हो रहा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, उसको इस बात में भी इंटरेस्ट होता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब वो किस जगह पे स्टैंड करता है। पिछले साल हमारी कंपनी कितने लाख की थी, इस साल कंपनी हमारी कितने लाख की बन गई, अगले साल हमारी कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है, वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को चेक करता है। इन अदर वर्ड्स ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द बिजनेस ओवर्स टू अदर्स एंड वेट और वॉट इट ओन्स एंड वॉट हैपन्स टू हिज कैपिटल, है ना। एक बिजनेसमैन ये जानने की कोशिश करता है कि कितने पैसे उसको किसी को देने हैं, कितने पैसे उसको किसी से मिलने हैं, उसके कैपिटल का क्या कंडीशन है, वेदर द कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट, उसका जो कैपिटल है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा या कॉन्स्टेंट रह गया। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ अ स्टेटमेंट नोन एज बैलेंस शीट। तो जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम यहाँ पे रखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, उसी के जरिए जो है हमारा स्टेटमेंट एक बनता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट, और वही इसको आंसर करता है। ये जो आपका क्वेश्चन है कि आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ये आपको आपके बैलेंस शीट को देख करके ही पता आपको चल पाएगा, है ना। तो ये बनाने में हेल्प करता है आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस। सो लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज दैट टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। सो देयर आर सो मेनी पार्टीज इन द मार्केट हु एवर यू नो इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, दे वुड लाइक टू नो दैट दे वुड लाइक टू नो द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन। जहां पे भी एक व्यक्ति अपने पैसे को लगाएगा, वो डेफिनेटली उस बिजनेस के बारे में वो जानने की कोशिश करेगा, उसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वो लेने की कोशिश करेगा कि वो बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसको इस बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, और इन्वेस्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए, दूसरों को सजेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यू नो इस तरह की चीजें होती हैं जो कि लोग इसमें जो है इंटरेस्टेड होते हैं। अब यहाँ पे लोग नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे यू नो शेयर होल्डर्स भी हैं, क्रेडिटर्स भी हैं, टैक्स अथॉरिटीज भी हैं, मैनेजमेंट भी होता है जो कि इस बात में इंटरेस्टेड होता है। सो अपार्ट फ्रॉम द ओनर्स देयर आर वेरियस अदर पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द बिजनेस फर्म सच एज मैनेजमेंट, द बैंक, द क्रेडिटर्स एंड द टैक्स अथॉरिटीज ETC, है ना। तो ये वो सारे लोग हैं जो कि आपके बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगे। मैनेजमेंट डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगा क्योंकि वो उसको चला रहा है। बैंक आपको लोन देता है तो वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगा। क्रेडिटर आपको उधार में सामान देता है। टैक्स अथॉरिटीज टैक्स लगाती है तो आपको प्रॉफिट होगा तो उनको टैक्स मिलेगा, तो वो इसलिए जो है आपके बिजनेस के ऊपर इंटरेस्टेड होंगी और वो आपके बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ठीक तरीके से चेक करेंगे। फॉर दिस पर्पज द अकाउंटिंग सिस्टम हैज टू फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, और इसी कारण से अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फर्निश करने की जरूरत होती है, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप यू हैव लाइक इट, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया भाई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो, अपने दोस्तों को बता दो कि बीकॉम की स्टडी जो है हमारे चैनल पे स्टार्ट हो गई है। इसी तरह से डेली की डेली फ्री वीडियोस अपलोड की जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हो, पेड ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और आई होप कि आपका दिन अच्छा जाए, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।